आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं योनो SBI के माध्यम से भीम UPI पिन कैसे चेंज किया जाता है, या अगर आप भूल चुके हैं तो कैसे नया बनाया जाता है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको योनो SBI के माध्यम से UPI पिन बनाने के लिए यानी कि रिसेट करने के लिए तो यहाँ पे योनो SBI पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आप यूज़र नेम पासवर्ड से भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आप MPIN बनाए होंगे तो MPIN से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं MPIN से। तो यहाँ पर ऑफिशियल पेज पर आप आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए योनो पे पे क्लिक करना है। तो चलिए हम योनो पे पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए भीम UPI का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अगर आप यूज करते हैं योनो SBI ऐप्स में भीम UPI, तो अगर आप अकाउंट बनाए होंगे तभी ये आपको ऑप्शन दिखेगा। अगर अकाउंट नहीं बनाए होंगे तो ये सब ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो भीम UPI अकाउंट कैसे बनाया जाता है योनो SBI ऐप्स में, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से क्लिक करके आप भीम UPI ID यानी कि अकाउंट बना सकते हो योनो SBI में। तो चलिए यहाँ पे पिन चेंज करने के लिए या नया बनाने के लिए या UPI पिन आप भूल चुके हैं तो कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे मैनेज का एक ऑप्शन दिया गया है नीचे में। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका बैंक का जो है FSC कोड दिखाया जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में है रीसेट पिन। अगर आप भूल चुके हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपका UPI पिन था, तो पहले वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे रीसेट पिन पर, ठीक है। अगर आपको मालूम है UPI पिन तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज उसी समय किया जाता है जब आपको जो आपको UPI पिन मालूम हो, तभी आप UPI पिन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद व्यू बैलेंस पे आप क्लिक करके बैलेंस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेंज पिन पे पहले क्लिक करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप चेंज पिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर UPI पिन। तो यहाँ पे आपको जो भी UPI पिन पहले से आपको याद होगा जो आप यूज करते होंगे, तो वही आपको UPI पिन इंटर करना है। उसके बाद जो आप सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चलिए बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे रीसेट पिन पे हम क्लिक कर देंगे। अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे आपको मैं आपको बता दूँ, आपको डेबिट कार्ड का यहाँ पे उपयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको लास्ट जो 6 डिजिट का आपके डेबिट कार्ड का यानी कि आपको ATM कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको देना है लास्ट 6 डिजिट का। तो चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं। और ये देने के बाद यहाँ पे दोस्तों मंथ और ईयर एक्सपायरी डेट जो होता है वो आपको यहाँ पर देना है, जो कि आपको ATM कार्ड पर ही लिखा आ जाएगा। और ये देने के बाद आपके सामने में देखिए नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 सेकेंड वेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो नया पेज खुलने के बाद यहाँ पे आपको OTP आएगा। पे मेरा OTP आ चुका है, तो OTP हम यहाँ पे दे देते हैं। तो OTP देने के बाद यहाँ पे देखिए राइट वाले निशान पे आपका सही चिन्ह लग जाएगा। और क्या आप सेट पिन करना चाहते हैं UPI में, वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम इंटर कर चुके हैं, उसके बाद राइट वाले निशान पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद कंफर्म फिर से वही पिन आप इंटर करेंगे जो आप UPI पिन सेट करना चाहते हैं। उसके बाद फिर से राइट वाले निशान पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो है, तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुल सेट UPI पिन। तो यहां पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे और मेरा जो है नया UPI पिन बन चुका है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से जो है UPI पिन जो है
चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसी तरीके से योनो SBI के माध्यम से UPI पिन को बदल भी सकते हैं या रिसेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।